Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev. So first of all, a big shout out to Richa, Ashutosh, Jatin, Harpreet and Shivam for getting the right answer. Congratulations to all of you. So अगर आप लोग भी quiz में part लेना चाहते हैं तो you can add me up on Instagram. मैं हर video से related एक question डालता हूँ और जो लोग सबसे पहले उसका सही answer देते हैं, they get a shout out in the next video. तो ये है part 4 Unplugged Mixing Series का जो कि आप लोगों ने request किया था क्योंकि ideally मैंने 3 parts सोचे थे series के जहाँ पे हम एक unplugged track को mix कर रहे थे लेकिन काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम उस मिक्स को मास्टर भी करें तो जाहिर सी बात है कि बिना मास्टरिंग के एक ट्रैक इनकम्प्लीट है बिकॉज मोस्टली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि जब भी हम अपना ट्रैक अपलोड करते हैं यूट्यूब पे स्पॉटिफाई सावन एनीवेयर तो हमारी साउंड चेंज हो जाती है एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि जब भी हम फोन या फिर मोनो डिवाइसेस में अपना मिक्स सुनते हैं तो वो अलग साउंड करता है हेडफोन्स पे अलग साउंड करता है तो अगेन यहाँ पे मास्टरिंग का बहुत बड़ा रोल है तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मोनो कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे अपने मिक्स की और उसको फाइनल रिलीज रेडी बनाएंगे सो लेट्स बिगिन तो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं कि समवन यू लव का कवर है बाय सना अगर आपको इसका फाइनल आउटपुट सुनना है तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन तो ये वो मिक्स है जो हमने पार्ट 3 तक बनाया था सो ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप मास्टर करें अपने ट्रैक को तो कभी मिक्स प्रोजेक्ट में ना जाए कभी मिक्स प्रोजेक्ट में प्लगइन्स ना डालें डायरेक्टली हमेशा उसको एक्सपोर्ट करें और एक नए प्रोजेक्ट में डालें और फ्रेश प्रोजेक्ट में उसको मास्टर करें तो सबसे पहले मैं ट्रैक को प्ले करता हूं देखते हैं हमारा मिक्स कैसा साउंड करता है और गेन लेवल्स चेक करते हैं कि आउटपुट गेन कितना आ रहा है हमारा Sounds pretty good. Keeping in mind, मैंने हर चीज real time की है, हर videos के सामने बैठ के करता था, तो ideally हमने इस mix को almost 1 से 1.5 घंटे में बनाया है, तो it sounds really good, professional sound कर रहा है. So now what we'll do is, सबसे पहले हम gain levels check करेंगे, जो कि -10.3 पे जा रहे हैं, which is totally fine. Ideally जो आपका stereo out है, वो -4 to -6 के बीच में होना चाहिए, but it's okay, we'll see हम इसको कैसे control कर सकते हैं, because it's always better to have more headroom. ज़्यादा headroom होना अच्छी बात है, rather than उसको लिमिट कर रहे हैं उसका हम लेवल रिड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज हम जो भी प्लगइन डालेंगे हम हमेशा स्टीरियो आउट पे डालेंगे बिकॉज स्टीरियो आउट इज द सम ऑफ ऑल ट्रैक्स स्टीरियो आउट है जो हम सुन रहे हैं मॉनिटर्स के थ्रू तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द ईक्यू प्लगइन सबसे पहले आई विल गो टू ईक्यू चैनल ईक्यू स्टीरियो सो एक बार ट्रैक सुनते हैं और हाई पास और लो पास का सिर्फ यूज करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनको यूज करने का रीजन क्या है EQ तो कर दिया नाउ इस EQ का बेनिफिट क्या है देखो लो पास करने का बहुत ही सिंपल रीजन है इस ट्रैक में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है गिटार कीज और वोकल्स क्या हमारे पास इस ट्रैक में सब बेस है बिल्कुल नहीं तो सब बेस की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आइडली होती है 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल सब बेस नहीं है बट हाँ कुछ ना कुछ पार्ट है सब बेस का जो कि हमें कीबोर्ड से आ रहे हैं सो दैट इज द रीजन मैंने 35 तक हाई पास लगा दिया बिकॉज उससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसीज थी वो अनवॉन्टेड थी और वो हमें नहीं चाहिए थी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ईक्यू में क्लैरिटी लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अनवॉन्टेड फ्रीक्वेंसीज हटाना रादर देन बूस्टिंग बिकॉज जब भी हम ईक्यू में कुछ भी बूस्ट करते हैं तो फेस चेंज होता है एंड इन टर्न आपकी साउंड
साउंड चेंज हो जाती है. सो दैट इज द रीजन हमारी पहली प्रायोरिटी होती है अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हटाना. नाउ इसके अलावा हम और कुछ इसलिए नहीं करेंगे EQ में बिकॉज सारी मड हम ऑलरेडी मिक्स में हटा चुके थे. सो अगर आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन सीखनी है EQ की तो मेरा एक वीडियो है सब्ट्रैक्टिव EQ के ऊपर. उस वीडियो में हमने सिर्फ कटिंग करके अपने इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी एनहांस की है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन. नेक्स्ट प्लगइन जो हम यूज करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास्टरिंग प्रोसेस में, जिसका नाम है मल्टीप्रेसर. तो मल्टीप्रेसर बेसिकली क्या होता है? मल्टीप्रेसर स्टैंड्स फॉर मल्टी बैंड कंप्रेसर. यानी ये जो आप 1, 2, 3, और 4 रीजन्स देख सकते हैं, ये 4 अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं. और मल्टीप्रेसर क्या करता है, हमें फ्रीडम देता है कि हम इनको इंडिपेंडेंटली कंप्रेस कर सकते हैं एंड नीचे इनकी सेटिंग्स हैं. तो मैं फटाफट मल्टीप्रेसर को अप्लाई करता हूं और फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि मल्टीप्रेसर के आने से साउंड में क्या चेंज आया. सो राइट, मल्टीप्रेसर अप्लाई हो चुका है. फाइनली इसको अप्लाई कर दिया मैंने ट्रैक में. ऑल दो थोड़ा सा टाइम लगा. टाइम इसलिए लगता है बिकॉज मल्टीप्रेसर इज समथिंग जो आपकी मास्टरिंग की बैकबोन है. अगर मल्टीप्रेसर आपने प्रिसाइसली अप्लाई कर दिया तो आपकी 90% जॉब मास्टरिंग में हो जाती है. सो एक बार क्या करते हैं, आई विल प्ले द ट्रैक. मैं मल्टीप्रेसर को ऑन ऑफ करता हूँ बीच में सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि साउंड को कैसे अफेक्ट किया मल्टीप्रेसर ने और हमारी साउंड कैसे इम्प्रूव हुई. So I'm pretty sure बहुत बहुत बड़ा चेंज आया. मल्टीप्रेसर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे. अगर आप ध्यान से सुने तो नॉट जस्ट आपका गेन बढ़ा बट थोड़ी सी क्लैरिटी भी बढ़ी. डायनेमिक्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए बिकॉज एनी हाउ ये कंप्रेसर ही होता है, बस इसके अलग अलग बैंड होते हैं. सो इसकी मदद से हमने लोज, मिड्स और हाइज को प्रॉपरली प्रिसाइजली कंप्रेस किया, जिस वजह से हमारी डायनेमिक्स काफी स्टेबल हो गए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन. नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारा वो होगा डायरेक्शन मिक्सर. और देखते हैं क्या स्प्रेड की जरूरत भी है इस गाने को, अगर है तो कितने स्प्रेड पे अच्छा साउंड कर रहा है. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ 0.08 से स्प्रेड को बढ़ाया. रीजन इस गाने में स्प्रेड की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो ये कि डायरेक्शन मिक्सर करता क्या है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्रैक, दिस इज योर मिक्स. डायरेक्शन मिक्सर क्या करता है, आपके ट्रैक को स्प्रेड ऐसे करता है. दैट मीन्स आपके ट्रैक में जो एलिमेंट्स हैं उनको खोल देता है, उनके बीच में स्पेस क्रिएट करता है. तो यहाँ पे हमें ज्यादा स्प्रेड की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस गाने में एलिमेंट्स ही इतने कम है, प्लस मोस्टली सारे मोनो में है. अगर आप कीज को देखो, गिटार को देखो, इवन वोकल्स को देखो,
देखो ऑलमोस्ट सब कुछ मोनो में ही है एक्सेप्ट फॉर हार्मनीज। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स क्लैश नहीं हो रहे। डायरेक्शन मिक्सर को हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब आपके ट्रैक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आपको वो स्प्रेड करने की जरूरत है, आपको वो स्पेस चाहिए एलिमेंट्स के बीच में ताकि वो आपको अच्छे से सुनाई दे पाए। सो इसी के साथ हमने डायरेक्शन मिक्सर को भी अप्लाई कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। अगला प्लगइन है हमारा अडैप्टिव लिमिटर, लेकिन अडैप्टिव लिमिटर को हम एक और प्लगइन के साथ यूज करेंगे जो हमारा मीटरिंग में आता है, इट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। तो अगर आप लोगों को मल्टीमीटर की फंक्शनिंग भी देखनी है तो यू कैन चेक आउट माई वीडियो, वहां पे मैंने प्रिसाइसली एक्सप्लेन किया है कि मल्टीमीटर में एनालाइजर, गोनियोमीटर, LUFS मीटर और कोरिलेशन मीटर का क्या रोल है और उनके बेसिस पे कैसे अपना मिक्स फाइनलाइज करते हैं। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं ट्रैक को प्ले करता एंड लेट्स ऑब्जर्व ऑल दीज मीटर्स, एक एनालाइजर, दो गोनियोमीटर, थर्ड LUFS मीटर और फोर्थ कोरिलेशन मीटर, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या चेंजेस चाहिए ताकि हम इस सॉन्ग को रिलीज कर पाए, रिलीज रेडी बना पाए। तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोरिलेशन मीटर तो हमारा परफेक्ट है बिकॉज वो बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, प्लस ये 50% के नीचे नहीं आ रहा, दैट मींस हमारा मिक्स जो है वो मोनो कंपैटिबल भी है। अगर हम उसको मोनो डिवाइसेस में भी सुनेंगे तो ये ऐसा ही साउंड करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द एनालाइजर, एनालाइजर से एक चीज मैंने देखी कि एनालाइजर में हमारी प्रेजेंस थोड़ी सी कम है। व्हेन दिस सॉन्ग रिलीजेस तो वहां पे थोड़ी सी प्रेजेंस कम मिलेगी, तो उस चीज को हम कैसे फिक्स करेंगे, आई विल ओपन द EQ और EQ में थोड़ा सा मैं 5K के अराउंड बूस्ट करूंगा। तो लेट्स लिसन टू द ट्रैक और देखते हैं कितने बूस्ट की जरूरत है सो दैट हमारा जो एनालाइजर है वहां पे फ्रीक्वेंसीज का बैलेंस प्रॉपर हो रहा है। It sounds perfect to me now और बहुत अच्छा sound कर रहा है, low end, mids और highs properly balanced है। And now what I'll be doing is अब इसके output levels को finalize करते हैं, तो हम लेंगे LUFS meter की help और ensure करेंगे कि हमारा जो LUFS meter है that is around -12 to -14, because -14 के नीचे जो भी audio होती है वो सारी normalize हो जाती है, so that is why we need to make sure कि -14 से loud देंगे लेकिन -12 या -10 cross नहीं करेंगे, because आपकी audio उसके बाद distort करना शुरू कर देगी एंड इन टर्न क्लैरिटी भी लूज होगी। सो लेट्स लिसन टू इट और इसके आउटपुट लेवल्स फाइनल करते हैं यूजिंग अडैप्टिव लिमिटर्स गेन। तो यहाँ पे अडैप्टिव लिमिटर का ये रोल है, यहाँ पे इसके गेन को यूज करेंगे ताकि LUFS मीटर को कंट्रोल कर पाए, और आउट सीलिंग को मैं 0.01 कर दूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक द ओवरऑल आउटपुट टचिंग 0.0। आइडियली 0.0 के ऊपर जो भी जाता है क्लिप होता है, बट आई लाइक टू कीप इट एट -0.1 क्योंकि एनी हाउ लिसनर को सुन के डिफरेंस नहीं पता चल सकता कि 0.1 से आउटपुट रिड्यूस किया गया है, प्लस हम हमेशा सेफ साइड पे रहते हैं।
राइट सो इसी के साथ हमारी मास्टरिंग कंप्लीट हो जाती है एंड ये जो भी आप प्लगइन्स देख रहे हैं हमने यूज किए हैं ये बेसिक मास्टरिंग के फंडामेंटल्स हैं। जाहिर सी बात है इसमें आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ मैक्सिमाइजर अगर आपको मैक्सिमाइजर की जरूरत पड़ती है या कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो प्लगइन्स हैं ये तो मैंडेटरी होते हैं। इनके अपार्ट आप चाहे कुछ भी यूज करें दैट इज योर क्रिएटिविटी, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल प्लगइन चेन है वो भी डेफिनेटली इससे डिफरेंट होती है, बट ये जो प्लगइन्स हैं ये आपके फंडामेंटल हैं और एटलीस्ट इनको तो यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको मास्टरिंग प्रोफेशनली करनी है और अपने गाने को रिलीज रेडी बनाना है ताकि वो हर जगह सेम साउंड करे, चाहे आपका ट्रैक फोन के स्पीकर्स पे प्ले हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स पे प्ले हो, चाहे आपका ट्रैक स्टेडियम के पीएस में प्ले हो, हर जगह सेम साउंड करना चाहिए और उसके लिए ये मास्टरिंग का प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्ले द ट्रैक और बीच बीच में मैं इन प्लगइन्स को ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि इन प्लगइन्स के डालने से क्या फर्क आ रहा है हमारी साउंड में। राइट सो इवन आई एम स्पीचलेस क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया इनकी वजह से। यू नो व्हाट आईड इवन लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप लोग इतना पसंद करते हैं वीडियोस को, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है इन वीडियोस से, बिकॉज आपके थ्रू मैं भी देख पाता हूँ ये सब चीजें। बिकॉज एनी हाउ व्हेन आई एम फाइनलाइजिंग अ ट्रैक मैं कभी ये नहीं सोचता कि स्टार्टिंग में कैसा साउंड कर रहा था, एंड में कैसा कर रहा था, बट आप लोगों को कन्वे करने के लिए जब मैं वो चीज चेक करता हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि साउंड में कितना चेंज आ गया और साउंड कितनी इंप्रूव कर चुकी है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को बहुत डिफरेंस दिखा होगा इसमें बिफोर और आफ्टर में। रीजन बीइंग जो हमारा मिक्स था वो प्रिसाइजली किया गया था, इसी वजह से मास्टरिंग के बाद ट्रैक इतना सुंदर साउंड कर रहा है। अगर आप लोगों ने कंपेयर किया और डायनेमिक्स कितने अच्छे हो गए, ट्रैक की क्लैरिटी इनहांस हो गई एंड अगर अब हम सुन रहे हैं ट्रैक को तो हमें वो कंप्लीट फीलिंग आ रही है जो उस मिक्स में मिसिंग थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों ने कुछ नया सीखा इस सीरीज से, अगर आपको लगता है कि हेल्प मिली इस सीरीज से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि उसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, शायद किसी और को हेल्प मिल जाए। बिकॉज अगर मुझे लगता है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है इस सीरीज पे तो आई डेफिनेटली मेक समथिंग इन अ स्टूडियो, यानी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक गाने को स्क्रैच से रिकॉर्ड करेंगे और उसको ही प्रोड्यूस करेंगे एंड उस पे एक और सीरीज बनाऊंगा मैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।